मोबाइल ऐप पर मंदिरों का दर्शन कर पूजा किए जाने का हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों ने विरोध किया। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि मोबाइल ऐप से मंदिरों के दर्शन कर दान दक्षिणा देने से मोबाइल ऐप कंपनी पैसा कमाएगी, जबकि पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों के रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। तीर्थस्थल और धार्मिक स्थलों का अपना महत्व होता है, इसलिए इस तरह के मोबाइल ऐप को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। वहीं श्री मंदिर मोबाइल ऐप के फाउंडर के मुताबिक डिजिटल मीडिया के माध्यम से धार्मिक स्थलों का ज्यादा प्रचार प्रसार होगा, जिससे वहां ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे और पुरोहितों का इसका सीधा फायदा मिलेगा। आपको बता दें, दो दिन पहले हरिद्वार में श्री मंदिर नाम की मोबाइल ऐप पर डिजिटल मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के कई मंदिरों को शामिल किया गया। लाखों लाख उन ब्राह्मणों की आजीविका पर कुठाराघात है, साथ ही उन मंदिरों के प्रति जो आस्थावानों का लगाव है, जो वहाँ की देवत्व है, जो वहाँ की श्रद्धा और भावनाएं हैं, वो सभी प्रभावित होंगी। इसका मतलब वहाँ चढ़ने वाले दान पुण्य, ब्राह्मणों की होने वाली आजीविका, इन सभी पर आपकी गलत प्रकार की निगाह है। और अगर आप ये सारे काम घर बैठे ही करते रहना चाहते हैं, तो निरंतर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे मंदिरों के और भगवान की मूर्तियां वगैरह विभिन्न विभिन्न प्रकार से दर्शाई जा रही हैं, तो व्यक्ति वहां भी पूजा कर सकता है। लेकिन जो मंदिर की जो तपस्या है, जो वहां की श्रद्धा है, जहां पर देवी देवताओं ने बैठकर तप किए हैं, उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा व्यक्ति को मिलनी है, वो डिजिटल माध्यम से नहीं मिल सकती है। सिख पूजा तो शास्त्र में लिखा हुआ है। अगर कोई आदमी मान लीजिए बैठा है कहीं दूर, 1000 किलोमीटर दूर यहाँ से, और आज कोई ज़रूरी दिन है उसके परिवार के लिए, तो अगर वो भगवान को याद करना चाहता है, मानसिक पूजा करना चाहता है, तो उसमें कमी क्या है, उसमें बुराई क्या है? और अगर मानसिक पूजा करने का ये माध्यम जो श्री मंदिर है वो लोगों को ये जरिया दे रहा है करने का, तो मुझे लगता है इसका सपोर्ट करना चाहिए हमको। और इससे हमारे जो भी पुरोहित लोग हैं उनको चिंता होगी, आमदनी कम होगी क्या, या लोग आना कम होंगे क्या? ऐसा नहीं होने वाला। ये प्रचार और प्रसार का माध्यम है, और प्रचार और प्रसार से चीज़ें बढ़ती हैं, कम नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हम सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहाँ पे उनको भी बराबर मौके मिलेंगे लोगों के साथ जुड़ने के, और लोगों को बराबर मौके मिलेंगे इन लोगों के साथ जुड़ने के, ताकि वो उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकें।